हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे व्यू वाई 100A न्यू अपडेट W30 के बारे में। क्या कुछ चेंजिंग आपको देखने के लिए मिलेगा इस वाले अपडेट के अंदर। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं अपडेट साइज के बारे में कि आपको ये कितने एमबी का अपडेट मिलने वाला है। तो 480 MB के आसपास आपको अपडेट देखने के लिए मिलेगा। तो इसके अंदर क्या आपको चेंजिंग देखने के लिए मिलेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर तीन चेंजिंग आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि तीन अपडेट आपको इस अपडेट के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट वाला जो आपको सिस्टम सिक्योरिटी पैच, सेकंड नंबर पे कैमरा और थर्ड नंबर पे नेटवर्क। अभी बात कर लेते हैं फर्स्ट वाला सिस्टम के अंदर आपको सिक्योरिटी पैच लेवल आपको देखने के लिए मिलेगा। जो पैच लेवल आपका अपडेट किया गया है अगस्त 2023 का, आपको सिक्योरिटी पैच लेवल यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो आपको सिस्टम के अंदर भी जो ऑप्टिमाइज देखने के लिए मिलेगा, जो आपका परफॉर्मेंस है सिस्टम की, उसके अंदर भी आपको स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलेगी और स्मूथनेस देखने के लिए मिलेगी। तो अभी बात कर लेते हैं सेकंड अपडेट के बारे में, कैमरा के बारे में, जो कि कैमरा के अंदर आपको ऑप्टिमाइज देखने के लिए मिलेगा फ्रेम रेट के अंदर। जैसे कोई भी आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं रियल कैमरे से और आपका जो एक्सपीरियंस है वो रिकॉर्डिंग के दौरान कोई भी दिक्कत आ रही है, फ्रेम रेट आपके ड्रॉप हो रहे हैं या भी कुछ भी दिक्कत आ रही थी आपको रिकॉर्डिंग करते समय कैमरे से, तो आपकी वो प्रॉब्लम अभी फिक्स कर दी गई है। और थर्ड नंबर पे बात कर लेते हैं नेटवर्क के बारे में। तो नेटवर्क के अंदर भी आपको ऑप्टिमाइज देखने के लिए मिलेगा, नेटवर्क को स्टेबल, जो नेटवर्क का इशू था आपका स्टेबल कर दिया गया है। और जो जैसे कि 5G नेटवर्क था आपका, 5G नेटवर्क के अंदर आप जो 5G नेटवर्क आते हुए भी आप नेट नहीं यूज कर रहे थे कई बार, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी फिक्स कर दी गई है। तो यही था इस अपडेट के अंदर। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट अपडेट के लिए।